वेलकम, मैं हूं यशकरण। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक और वीडियो, हाउ टू टेक रिसीट थ्रू यूडीएम एप्लीकेशन। मैं यूडीएम के ऊपर पहले ही 4 वीडियो बना चुका हूं, जिसमें इंट्रोडक्शन ऑफ यूडीएम, बेनिफिट्स ऑफ यूडीएम और हाउ टू क्रिएट यूजर्स ऑन यूडीएम एप्लीकेशन एंड Who create users on UDM application and how to mapping users with consignee। और इसके बाद मैंने बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाई है यूजर के लिए, हाउ टू क्रिएट लेजर इन UDM application। तो आइए आज हम देखते हैं हाउ टू टेक रिसीट थ्रू UDM application। तो जैसे ही हम IREPS वेबसाइट विजिट करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले लॉगिन होने के बाद ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैनल है उसमें रिसीट लिखा हुआ है, तो रिसीट के लिए हम रिसीट टैब पे क्लिक करेंगे। रिसीट टैब पे क्लिक करने के बाद हमारे पास जो विंडो ओपन होती है उसमें सबसे ऊपर टॉप में जो टैब बने हैं उसमें फर्स्ट टैब है रिसीट फ्रॉम ट्रेड, सेकंड है रिटर्न बाय कॉन्ट्रैक्टर, थर्ड है रिसीट रजिस्टर, फोर्थ है सर्च रिसीट ट्रांजैक्शंस। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, रिसीट फ्रॉम ट्रेड, यहां से हमने रिसीट लेनी है। तो आइए देखते हैं रिसीट फ्रॉम ट्रेड, इसको क्लिक करते हैं। ड्रॉप डाउन में क्लिक करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आती हैं, फ्रेश रिसीट एंड अंडर काउंटर। तो पहले हम फ्रेश रिसीट पे क्लिक करेंगे। फ्रेश रिसीट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास जो बॉक्स ओपन होता है इसमें सर्च पीओ कॉन्ट्रैक्ट ब्लिक LOE। अब हम पीओ सर्च करते हैं। पीओ हमारे पास कई तरह के होते हैं, जैसे हमारे स्टोर पीओ होते हैं लोकल परचेज के, फिर स्टोर पीओ होते हैं अदर देन लोकल परचेज के जो हेडक्वार्टर परचेज के, फिर थर्ड है हमारे जेम परचेज, जो हम जेम से परचेज करते हैं वो पीओ होते हैं, फिर कुछ सामान हम इम्प्रेस से लेते हैं, फिर सप्लाईज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट जो सप्लाईज आती है वो हम यहाँ से देखते हैं, और लास्ट है अदर्स। तो सबसे पहले हम स्टोर पीओ लोकल परचेज ये देखते हैं। तो ये देखने के लिए हमें क्या करना है, हमारे पास सर्च करने के लिए 4 ऑप्शन हैं। पहली है यहाँ पे हम पीओ नंबर डाल सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नंबर डाल सकते हैं, एलओए नंबर डाल सकते हैं। दूसरा बॉक्स है हमारे पास डिमांड का, यहाँ पे हम डिमांड नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास वेंडर नेम, हमने जिस वेंडर से सामान खरीदा है या जिस वेंडर के ऊपर पीओ डाला है, स्टोर ने पीओ डाला है, उस वेंडर का नाम डाल के भी हम सर्च कर सकते हैं। और चौथी ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन, जो हमने मटेरियल स्टोर से लेना है लिया है उसकी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डालेंगे और सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास यहाँ पे वो आइटम आ जाएगी। तो पहले हम देखते हैं पीओ, पीओ नंबर डाल के देखते हैं। तो सपोज ये हमने पीओ यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, देखते हैं कि यही पीओ आता है। इस पीओ को हमने कॉपी किया और सर्च ऑप्शन में डाला तो हमारे पास ये लिक्विड हैंड वॉश का पीओ है, देखते हैं यही आता है। अब सर्च करेंगे तो हमारे पास सर्च करने के बाद
ये एक पीओ जो हमने पीओ नंबर डाला है, वो पीओ की पूरी डिटेल हमारे सामने आ गई है। तो ऐसे ही हम डिमांड नंबर डालेंगे, तो डिमांड नंबर डाल के उस डिमांड के अगेंस्ट जो भी पीओ डाला होगा तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। तो अगर हम वेंडर डालेंगे तो वेंडर, उस वेंडर पे जितने भी पीओ डले होंगे वो सारे के सारे इस विंडो में नज़र आएंगे, लेकिन जो आइटम हमने स्टोर से ली है उस आइटम को सिलेक्ट करेंगे कहाँ से, ये हमारे पास लास्ट में एक्शन टैब है, एक्शन बटन है, इसको हम क्लिक करके वो आइटम सेलेक्ट करेंगे। तो अभी हमने पीओ नंबर डाल के जो सर्च किया है तो हमारे पास ये एक पीओ आ गया है। तभी एक्शन टैब में जो बटन है उसको हम क्लिक करेंगे तो ये पीओ हमारा सेलेक्ट हो गया। इस पीओ के अगेंस्ट हमने रिसीट लेनी है, तो उस पीओ के अगेंस्ट में जितना भी डाटा है ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे जो कलर्ड टैब हैं उसको हमने नहीं छेड़ना, उसमें हमने कोई एडिट करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि अगर हम इसमें कुछ भी एडिट करते हैं तो ये वापस चला जाता है। जैसे हम एडिट करके देखेंगे तो ये वापस चला जाएगा, देखिए वापस चला गया। इसलिए हमने इसको जो कलर्ड टैब हैं उसको, जो कलर्ड बॉक्स है उसको नहीं छेड़ना। तो हम दोबारा से फ्रेशर सीट में जाते हैं, फ्रेशर सीट में जाके सर्च पीओ करते हैं। तो ये हमारे पास जितने भी पीओ स्टोर के हैं वो सारे नजर आ रहे हैं, लेकिन हमने कौन सा, ये पहले वाली लिक्विड हैंड सॉप हमने स्टोर से लिया है तो उसको सेलेक्ट करना है। तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद ये जितना भी डाटा था उस पीओ का हमारे पास इस फॉर्म में आ जाता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो कलर्ड बॉक्स है उसको अभी हमने उसमें कुछ भी एडिट नहीं करना है, नहीं तो वो फिर दोबारा से वापस चला जाएगा। तो जितना भी ये फॉर्म भरा हुआ है उसको, वो ऑटोमेटिकली हमारा डाटा पीओ से आया है, उसको हमने नहीं छेड़ना है। तो यहाँ पे बिल इनवॉइस नंबर हमने डालना है, कोई भी बिल इनवॉइस नंबर हम डाल सकते हैं। ये हमने इनवॉइस नंबर डाल दिया और बिल इनवॉइस डेट डाल देते हैं, कोई भी हमने बिल इनवॉइस डेट डाल दी। चलान नंबर हम डाल देते हैं, चलान डेट भी हम डाल देंगे। मेक हम लिख देते हैं, मेक या ब्रांड कुछ भी जो है हमारी आइटम का जो हमने स्टोर से ली है उसका हम मेक डाल देते हैं। ये कितने पीस का ऑर्डर था, 150 पीस का ऑर्डर था, तो हम 150 पैकेज यहाँ पे लिख देते हैं, 150। तो आज हमारे पास रिसीट हुई है तो डेट आज की रहेगी, जो भी जिस भी डेट को रिसीव किया है वो डेट यहाँ पे लिख देनी है। क्वांटिटी डिस्पैच्ड इन पीओ, क्वांटिटी कितनी है पीओ में, 150, तो 150 लिख दिए। तो हमारे पास रिसीव कितनी हुई है, पूरी क्वांटिटी रिसीव हुई तो पूरी लिख देनी है, अगर कम हुई तो कम लिखनी है। सपोज हमारे पास पूरी क्वांटिटी रिसीव हुई है 150, तो हमने 150 लिख दी है। पीओ कॉन्टैक्ट इंस्पेक्शन एजेंसी कौन है, कंसाइनी, तो इंस्पेक्शन एजेंसी यहाँ पे हम लिख देंगे कंसाइनी। आईसी नंबर, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट क्या है, हमारे पास कोई इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है इस आइटम का, तो हम इसको छोड़ देते हैं। आईसी डेट भी छोड़ देते हैं। एक्सपायरी वारंटी डेट, एक्सपायरी वारंटी डेट हम लिख देते हैं, 2 साल की होती है एक्सपायरी, तो हम इसको एक्सपायरी लिख देते हैं 30 नवंबर।
रसीट मटेरियल, रसीट मटेरियल लोकेशन, ये कहाँ से हमें मिला है? रसीट सेक्शन से हमने ये सामान लिया है। यहाँ पे कोई भी रिमार्क्स लिख सकते हैं हम। मटेरियल सेव्ड इन गुड कंडीशन। अब हम सबमिट करते हैं। सबमिट करने के बाद रिसीट फ्रॉम ट्रेड विद वोचर नंबर इतना एंड वोचर डेट, ये हमारे पास आ गई है। तो इसका मतलब कि हमारे पास सक्सेसफुली रिसीट हमारी हो गई है। अभी हम देखते हैं रिसीट में जाके कि वहाँ ये शो हो रही है या नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास लेजर में रिसीट शो हो रही है, रिसीट नंबर ऑफ आइटम्स टू, दो हमारे पास आइटम शो हो रही हैं, तो इसकी ये वैल्यू नज़र आ रही है। तो ये रिसीट का प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि हमारी लेजर में इसकी एंट्री हुई है या नहीं। तो आइटम टैब को हम क्लिक करने के बाद देखते हैं कि कंज्यूमेबल आइटम में हमारी हैंड वॉश की जो एंट्री अभी नहीं हुई है। तो यहाँ पे 20 नंबर हमारे पहले थे, 20 के 20 हैं, अभी हमारी लेजर में एंट्री नहीं हुई है। तो लेजर में एंट्री करने के लिए क्या करना होगा? तो अभी हम एक्सेप्टेंस पे क्लिक करेंगे। जो हमने रिसीट ली है, रिसीट को अभी एक्सेप्ट करना है, तभी वो हमारी लेजर में आएगी। तो रिसीट को क्लिक, तो एक्सेप्टेंस को क्लिक करने के बाद हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। इसमें रिसीट फ्रॉम ट्रेड और रिसीट बाय कॉन्ट्रैक्टर के टैब बने हुए हैं, लेकिन अभी हमने रिसीट फ्रॉम ट्रेड कर ली है, तो हमारे पास यहाँ पे ये लिखा आ रहा है सेलेक्ट वोचर। तो अभी हम वोचर को सेलेक्ट करेंगे, जो हमने रिसीट ली थी उस वोचर को सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट वोचर। ये हमने वोचर, ये एक्शन टैब में जो रेडियो बटन है उसको क्लिक किया, तो हमारे पास जो हमने रिसीट ली थी वो रिसीट इस फॉर्म में, उसका पूरा का पूरा डाटा इस फॉर्म में आ जाता है, ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यहाँ पे हमने 150 के लिए डिमांड की थी, 150 हमने रिसीव किया है। तो 150 में से अब कितना एक्सेप्ट करना है और कितना रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम भरेंगे। यहाँ पे 150 हमारे पास आया था, 150 क्वांटिटी हमने एक्सेप्ट कर ली है। इसका मतलब कि हमने उसमें से कोई क्वांटिटी रिजेक्ट नहीं की। तो यहाँ पे जीरो कर दिया। अभी स्टॉक कहाँ करना है? रैक नंबर वन में हमने इसको स्टॉक करना है। इसकी लोकेशन हमने लिख दी है रैक नंबर वन। किस लेजर में हमने रखना है? कंज्यूमेबल आइटम। लेजर का फोलियो नंबर क्या है? हैंड वॉश। फोलियो आइटम कौन सी है? ये हमने फोलियो आइटम सेलेक्ट कर ली। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सबमिट कर देते हैं। तो इसको हम कंफर्म कर देते हैं। तो ये हमारी रिसीव्ड एंड अकाउंटेड फॉर सक्सेसफुली। तो जो हमने क्वांटिटी रिसीव की थी वो अभी सक्सेसफुली हमारी एक्सेप्टेंस होने के बाद अकाउंटेड हो गई है। तो अकाउंट होने के बाद हम देखते हैं लेजर में, ये स्टॉक ऑफ आइटम्स इन लेजर बिकम्स 170 नंबर्स।
तो पहले हमारा 20 नंबर्स बैलेंस था, अब हमारे पास कितना बैलेंस हो गया, 170 नंबर। इसका हम व्यू भी देख सकते हैं व्यू लेजर में जाके। तो यहाँ पे हमने देखा कि पहले हमारे पास 20 नंबर थे, क्वांटिटी थी, और 150 हमने अभी रिसीव कर ली है, तो हमारे जो बैलेंस क्वांटिटी है 170 हो गई है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्रोसेस भी अब कंप्लीट हो चुका है। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है CRN। CRN क्या है, कंसाइनमेंट रिसीट नोट। तो कंसाइनमेंट रिसीट नोट पे क्लिक करते हैं, तो ये जो अभी हमने रिसीट ली थी और उसको एक्सेप्ट किया था, उसका वोचर हमारे सामने आ जाता है। इस पे हम एक्शन टैब में जाएंगे, एक्शन, तो ये हमारे सामने कंसाइनमेंट रिसीट नोट ओपन हो जाता है। तो यहाँ पे जो फॉरवर्डेड बिल अमाउंट है वो हम यहाँ पे इसमें फिल कर देते हैं, जितनी भी हमारी वैल्यू ऑफ एक्सेप्टेड क्वांटिटी थी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे फिल कर देते हैं, 100.48.50। यहाँ पे कुछ रिमार्क्स लिखना तो लिख सकते हैं, और फॉरवर्डर टू जो भी हमारे एक्सेप्टिंग अथॉरिटी है उनको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, प्रोसेस फॉर साइन एंड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे कुछ रिमार्क्स भी देना होगा, मटेरियल रिसीव्ड इन गुड कंडीशन। जो भी रिमार्क्स देना यहाँ पे दे सकते हैं, रिमार्क्स देने के बाद प्रोसेस करेंगे तो हमारा एक व्यू कंसाइनमेंट रिसीट डिटेल। तो ये हमारी कंसाइनमेंट रिसीट डिटेल बन गई है, तो इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट करने के बाद साइन एंड फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने साइन कर दिया है, तो हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट हुआ है। लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि ये स्टेप है ये सभी को करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंसाइनमेंट रिसीट नोट बनाने का काम जो है वो ज़्यादातर स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, इसलिए कंज्यूमर को कंसाइनमेंट रिसीट नोट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो नेक्स्ट स्टेप है CRC। CRC क्या है, कंसाइनमेंट रिसीट सर्टिफिकेट। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये भी काम स्टोर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है, तो कहीं कहीं पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ क्या करना है, हमने एक्शन पे जाके क्लिक करना है, और हमारे पास जो कंसाइनमेंट रिसीट सर्टिफिकेट आ जाएगा उसमें उसी तरह से यहाँ पे अमाउंट फिल करके और रिमार्क्स लिख के साइन एंड सबमिट कर देना है। यहाँ पे वैसे ही हम अमाउंट लिखते हैं 100.48.50। अमाउंट लिखने के बाद यहाँ पे कुछ भी रिमार्क्स लिख सकते हैं, मटेरियल रिसीव्ड। मटेरियल रिसीव्ड लिखने के बाद अब हम इसको फॉरवर्ड कर देते हैं अपने ऑफिसर के पास, प्रोसेस फॉर साइन एंड फॉरवर्ड। तो ये व्यू कंसाइनमेंट रिसीट डिटेल
हमारे पास नजर आ रही है, इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, साइन एंड फॉरवर्ड करेंगे। समथिंग वेंट रॉन्ग और ऑलरेडी फॉरवर्डेड, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑलरेडी फॉरवर्डेड है CRM के द्वारा, तो इसलिए दोबारा से फॉरवर्ड नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे हमें मैसेज आ गया है समथिंग वेंट रॉन्ग और ऑलरेडी फॉरवर्डेड, इसको हम ओके कर देते हैं। ये स्टेप इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी मैंने देखा है रिसीट फ्रॉम ट्रेड, रिसीट फ्रॉम ट्रेड, फ्रेश रिसीट लोकल परचेज से, लोकल परचेज का जो पीए थे उससे फ्रेश रिसीट हम कैसे लेते हैं, रिसीव करते हैं, वो अभी हमने देखा है। तो अभी हमने देखा है स्टोर पीओ के अगेंस्ट कैसे रिसीट लेते हैं, सिमिलर एक्शन स्टोर पीओ अदर देन लोकल परचेज का रहेगा, सिमिलर एक्शन जेम पीओ का रहेगा, सिमिलर एक्शन हमने इम्प्रेस का भी हमने करके देखा है कि इम्प्रेस से हम कैसे रिसीट लेते हैं, ऐसे ही सप्लाईज अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हम कैसे लेंगे वो भी सिमिलर एक्शन रहेगा, फिर अदर्स अदर्स से कैसे लेते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सिमिलर एक्शन रहेगा। तो आज हमने सीखा है कि हम कैसे मटेरियल रिसीट करते हैं अपनी लेजर में, कैसे एंट्री करते हैं, इसका प्रोसेस हमने सीखा है, उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं, ये कंप्लीट प्रोसीजर हमने रिसीट सेक्शन का सीख लिया है कि रिसीट हमने अपनी लेजर में कैसे लेनी है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में लेके रहूँगा आपके लिए कि इशू कैसे करते हैं, जो एंड यूज़र है उसको इशू कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक जिन्होंने मेरी पहली 4 वीडियो नहीं देखी वो ज़रूर देख लें पूरा प्रोसेस समझने के लिए, और जिनको मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो कृपया नीचे जो लाइक बटन है और एक सब्सक्राइब बटन है और एक बेल आइकॉन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर देना, और साथ ही साथ मेरी ये वीडियो और मेरी दूसरे वीडियो भी दूसरे लोगों को शेयर करना ताकि वो भी UDM के बारे में जान सके। धन्यवाद।